अग्निशिखा बेस्ट गार्डन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं जफर आज फिर से आपके सामने एक नया औषधीय गुणों वाला पेड़ लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने घर के आसपास पाए जाने वाले औषधीय गुणों से भरपूर पौधे और पेड़ लेकर आता रहता हूँ। आज जिस पेड़ के बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम है कचनार। इसे इंग्लिश में ऑर्चिड ट्री या माउंटेन एबोनी कहते हैं। इसे हिंदी में कचनार, मराठी में कोरल, बंगाली में कंचना, तेलुगु में देवाकंचा नम्मू, तमिल में मंडेर, गुजराती में चप मटकी, मलयालम में कोरल या कंचन कहते हैं। इसे संस्कृत में गंडेरी या जुगम पत्रिका कहते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पूरे भारत में उद्यानों में, बागों में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। ये एक सोशल फॉरेस्ट्री का कॉमन प्लांट है। यह हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों में, जंगल में भी उगता है और वहाँ स्थानीय लोग इसका रायता और इसके फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं। तो अब आइए जानते हैं इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में। तो यह फैमिली लेग्यूमिनेसी का मेंबर है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में दालें आती हैं और इसकी सब फैमिली सीजल पेनियोडी है। इसकी दो वेराइटीज़ हैं, वोहिनिया वेरीगेटा और वोहिनिया परप्यूरा। इसे कैमल फुट भी कहा जाता है क्योंकि इसका पत्ता ऊंट के पंजे की तरह होता है। इसके फूल सफ़ेद या गुलाबी होते हैं। यह गुणों में इतना अधिक है कि अगर इसके गुण पता चल जाएं तो शायद ही इसका कोई पेड़ इस धरती पर शेष बचेगा। कचनार बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसका इस्तेमाल थायराइड में और लीवर की प्रॉब्लम्स में किया जाता है। लीवर की प्रॉब्लम में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाता है और स्तन गांठ में इसकी छाल को पीसकर चूर्ण बना लिया जाए और उसको सौंठ और चावल के पानी में मिलाकर गांठ वाली जगह उसका लेप करना और काढ़े को पीने से बहुत ही जल्द स्तन गांठें ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों में कई बार कुबड़ापन होता है, तो कुबड़ापन होने पर बच्चों को इसके फूलों पर सुलाएं और 1 ग्राम का चौथाई भाग शहद के साथ सेवन कराने से कुबड़ापन बहुत जल्द ठीक हो जाता है। खूनी दस्त में भी ये बहुत उपयोगी औषधि है। खूनी दस्त होने पर इसके फूल का काढ़ा बनाकर पिया जाता है और बवासीर में इसकी छाल का चूर्ण लगभग 3 ग्राम लस्सी या छाछ जिसे कहते हैं, सुबह शाम पीने से बवासीर, चाहे वो बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर हो, दोनों में ही बहुत आराम मिलता है। दस्त लगने पर इसकी छाल का काढ़ा दिन में 2 बार पीने से दस्त बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अगर पेशाब में खून आ रहा हो तो इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब में खून आना बंद हो जाता है। यह रक्त प्रदर और किसी भी तरीके के रक्तस्राव में भी बहुत उपयोगी है। इसके उपयोग का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर पेट का कैंसर भी हो तो भी इसकी छाल का काढ़ा पीने से पेट का कैंसर ठीक हो सकता है। दांतों के रोग में भी ये बहुत उपयोगी है, तो दांतों के रोगों के लिए इसकी छाल की राख आपने जलाकर बना लेनी है और उसे मंजन करना है और इसके काढ़े से 3 बार दिन में कुल्ली करनी है, तो दांतों के सारे रोग, चाहे दर्द हो या सड़न हो या दांत में कीड़ा लगा हो, वह सब ठीक हो जाएंगे। यह खांसी और दमा में भी बहुत उपयोगी है। खांसी होने में या दमा होने पर इसकी छाल का काढ़ा शहद के साथ 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने पर खांसी और दमा में बहुत ही आराम मिलता है। फिस्टूला या भगंदर में कचनार गुगलू लेने से बहुत आराम मिलता है। कचनार गुगलू, कचनार इसका मुख्य घटक है और इसमें और बहुत सारी औषधियाँ मिलाकर कचनार गुगलू बनाया जाता है। यह
लगभग सभी ऑनलाइन स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आज पेट की गैस बनना एक आम समस्या है। छोटे बच्चों से लेकर सभी बड़ों तक सभी गैस की समस्या से परेशान हैं। तो पेट की गैस के लिए इसके छाल का 20 मिलीलीटर काढ़ा बना लेना है और आधा चम्मच अजवाइन के साथ इस काढ़े को लेने से पेट की गैस में बहुत आराम मिलता है। साथियों, कभी कभार हमें भूख ना लगने की बीमारी हो जाती है तो इसकी कलियां घी में भूनकर सुबह शाम खाने से भूख लगना शुरू हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हों तो इसकी कलियों का पाउडर बनाकर मक्खन और शक्कर के साथ खाने से पेट के कीड़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। मुंह में छाले हो जाने पर इसकी छाल का काढ़ा बना लें और कत्था मिलाकर इसे मुंह में कुल्ली करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। किसी भी अंग में अगर सूजन हो तो इसकी जड़ को पानी में घिसकर सूजन वाली जगह लगाने से सूजन में आराम मिलता है। साथियों, इसके एक बहुत ही अच्छे गुणों में है कि पीलिया हो जाने पर इसके पत्ते का रस पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। साथियों, किसी भी जड़ी बूटी का या औषधीय पौधे का इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर कर लें और इसकी जो डोज है उसी के अनुसार ही इसे ग्रहण करें। इसकी अगर आप छाल का चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम से ज़्यादा ना लें और फूलों का रस 10 से 20 मिलीलीटर से ज़्यादा ना लें। और अगर इसकी छाल का काढ़ा बना के पी रहे हैं तो 40 से 80 मिलीलीटर से ज़्यादा इसे ना लें। साथियों, अगर शरीर में किसी भी प्रकार की गांठें हों और यहाँ तक कि वो गांठें चाहे कैंसर की वजह से हों, तब भी ये एक रामबाण औषधि है। कचनार गुगलू लेने से शरीर की गांठें बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं और पिघलकर खुद ही समाप्त हो जाती हैं। साथियों, शरीर में उपस्थित टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ जो हमारे खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी कचनार बहुत अच्छा है। साथियों, कचनार गलगंड, जिसमें कि गले में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं, उनमें सूजन हो जाती है, उसमें भी कचनार बहुत ही उपयोगी है। किसी भी प्रकार का गोइटर होने पर भी कचनार का सेवन करने से उसमें बहुत ही आराम मिलता है। तो साथियों, आज हमने कचनार के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उपयोगी पेड़ का फ़ायदा ले सकें। साथियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस प्रयास में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।